हाँ जी बाबा, मन को अमन कैसे बना? प्रश्न करने का मतलब ये है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ये लगातार अनुभव नहीं होता है क्या, या कभी नहीं हुआ है? सतो प्रधान स्टेज में जब थे, एडवांस नॉलेज की सतो प्रधान स्टेज में जब थे, तो ये अनुभव बाप ने कराया या नहीं कराया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु, इसके अलावा और कोई संकल्प 10-15 सेकंड, कोई का 50 सेकंड, कोई का 2-4 मिनट, कोई का 2-5 मिनट, ये अनुभव तो रहा है ना सबका, निसंकल्पी स्टेज का अनुभव रहा या नहीं रहा? सबका रहा, थोड़ा ना बहुत, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसा जिसका फाउंडेशन वैसा अनुभव तो रहा। तो अगर 5 सेकंड का भी मन स्थिर हो जाने का अनुभव है
जैसे कि मन है ही नहीं। मन की चंचलता 10-15 सेकंड के लिए बंद हो सकती है, तो क्या प्रैक्टिस करने के लिए करने से लंबे समय तक मन की चंचलता बंद नहीं हो सकती? हो सकती है, प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस अवरोधी भी होती है और प्रैक्टिस विरोधी भी होती है। बाप जो हमें अभ्यास सिखाते हैं, उस अभ्यास का हमको विरोधी नहीं बनना चाहिए। बस जितना जितना सहयोगी बनेंगे मन को अमन बनाने में, उतना उतना जल्दी बाप का काम संपन्न हो जाएगा। इसलिए बोला है, साकार को याद करने वाले कैसी स्टेज वाले होंगे? चरित्रवान होंगे। और निराकार को याद करने वाले, निराकारी स्टेज में टिकने वाले क्षिप्रग्रामी होंगे, तीव्र पुरुषार्थी होंगे। क्यों? साकार की याद की प्रैक्टिस, बेसिक नॉलेज में कौन सी प्रैक्टिस ज्यादा हुई? सबकी एक जैसी स्थिति नहीं होती है। जो मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद आए, उनकी निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस हुई, बिंदु को याद करने की प्रैक्टिस हुई, कि उन्होंने साकार में संग का रंग प्रैक्टिकल जीवन में लिया ही नहीं। किससे लिया? साकार से लिया या निराकार से लिया? ज्योति बिंदु से लिया, बाप से लिया डायरेक्ट। तो जिन्होंने बाप से डायरेक्ट लिया, वो मेल हुए या फीमेल हुए? रुद्रमाला के मणके हो गए। क्या बाप भी क्या है? रुद्र है, बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। तो बच्चे भी बीज रूपी स्टेज धारण करने वाले होते हैं, क्षिप्रगामी होते हैं। घर परिवार में भी देखने में आता है, कन्याएं माताएं पहले ज्ञान में चल पड़ती हैं या पुरुष पहले निकल पड़ते हैं? कन्याएं माताएं जास्ती ज्ञान में पहले निकलती हैं, पहले वो क्यों निकलती हैं? उनमें तो धारणा ज्यादा होती है, उनको बाद में निकलना चाहिए तो भी चलेगा। क्योंकि कन्याओं माताओं का जो देह भान है, वो शरीर के आधार पर इतना पक्का होता है कि जल्दी देह का होना नहीं जाता। इसलिए बीज रूप स्टेज में टिकना थोड़ा मुश्किल होता है। और भाइयों को? भाइयों को आसान होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, वो हद की बात है, ये बेहद की बात है। जो है ही सृष्टि के बीज, उन बीजों को बीज रूप स्टेज में टिकने की अगर पक्की प्रैक्टिस हो जाए, तो सारा काम आनन फानन में बड़ी जल्दी संपन्न कर लेंगे। वाइब्रेशन से ही सारी दुनिया का चेंज परिवर्तन हो जाएगा।
वाचा की और कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ की इतनी जरूरत ही नहीं। तो मूल हमारा पुरुषार्थ ही ये है। क्या? कि मन रूपी ब्रह्मा निष्क्रिय हो जाए, एकदम निष्क्रिय नहीं होगा। पहले मन को सत्संकल्पों में भ्रमण कराना पड़े, ज्ञान युक्त संकल्पों में भ्रमण कराना पड़े। ज्ञान पक्का बुद्धि में बैठेगा तो निराकारी स्टेज भी जल्दी बनेगी। जितना ज्ञान पक्का होगा उतनी निराकारी स्टेज बनेगी। ज्ञान कच्चा होगा तो निराकारी स्टेज भी जल्दी नहीं बनेगी। जैसे ब्रह्मा की आत्मा कौन सा कार्य करता है? है? ब्रह्मा की आत्मा मन रूपी कार्य करता है। बाप के तीन कार्य करता है ना, उनमें ब्रह्मा की सोल मन रूपी कार्य करता है। जो मन रूपी कार्य करता है उसका जो आरंभ हुआ उसने बाप को पहचानने का ज्ञान लिया। फाउंडेशन काल में वो ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि द्वापर के आदि से ही ये सुनती चली आई वो आत्मा कि गीता का भगवान कृष्ण है और मैं कौन हूं? हैं? मैं ही कृष्ण हूं। तो देहवान आदि से ही पक्का होता चला आया। आज से लेकर के जब तक शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के बाद भी जो सूक्ष्म शरीर भी धारण किया तो भी ये बुद्धि में पक्का नहीं हो पाया कि मैं गीता का भगवान साकार रूप में नहीं हूं, गीता का भगवान कोई और है। तो इसका कारण क्या हुआ? क्यों? कोई मन को अमन बनाने की प्रैक्टिस नहीं हो सकी। माता में देहभान रहता है और बाप तो बीज है। तो बीज जो ओरिजिनल ही बीज है उसे अपने स्वरूप में टिकने में कोई ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। यहाँ एडवांस में सब बीज रूप आत्माएं हैं और उधर बेसिक में मोस्टली बीज रूप हैं या आधार मूर्त जड़े हैं, सब जड़े हैं। बड़ा रूप समझते हैं अपन को या बिंदु बीज समझते हैं? वो बड़ा रूप बुद्धि में से निकलता ही नहीं। तो आत्मा की कट उतरती नहीं, ये मन की ही सारी कट है। तो मन को ही अमन बनाए देना। तो आगे की वाणी में ब्रह्मा के लिए कहा गया संपूर्ण बन गया है, साकार शरीर से संपूर्ण बन गया कि सूक्ष्म शरीर से भी कारण शरीर बन गया? ज्यादा पावरफुल शरीर कौन सा होता है? है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है या स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है? कारण तो शरीर है ही नहीं वास्तव में। उसका तो भक्ति मार्ग में कारण शरीर नाम दे दिया है। कारण शरीर का मतलब ही है पौधा हो चाहे पेड़ हो, उसका कारण कहाँ से शुरू होता है?
बीज से शुरू होता है। और मन है ही नहीं है तो, लेकिन इस सृष्टि पर जब आता है तो कोई तन में प्रवेश करना जरूरी है, बिना साकार के निराकार कुछ कर नहीं सकता। तो जब साकार में आवेगा तो जिस साकार में आवेगा वो अमन है या मन वाला है, चाहे वो प्रजापिता हो और चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे तीसरे नंबर का, चाहे चौथे नंबर का, चाहे पांचवे नंबर का, बल ब्रह्मा बहुतों के नाम है, लेकिन ब्रह्मा माने ही विकारी या निर्विकारी। ब्रह्मा माने क्या? विकृत। तो विकृत में जब आवेगा तो जम दे जाम दे हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? ऐसा हो सकता है? हाँ, उस मन जिसमें प्रवेश किया है वो जैसी स्थिति वाला होगा वैसा काम जल्दी होगा। 63 जन्मों का सारा हिसाब किताब इस अंतिम जन्म में आता है। जिसने 63 जन्म में अपने को आत्म की स्थिति में रखा होगा, मनन चिंतन मंथन की स्थिति में ज्यादा जास्ती रखा होगा, आत्म की स्थिति में जास्ती रखा होगा, वो अंतिम जन्म में भी वो स्टेज जल्दी पकड़ लेता है। और कोई आत्माएं कम संघ के रंग में आती हैं, कोई जास्ती संघ के रंग में आती है। हाँ हाँ, लेकिन सबको एक ही तरफ होती है। कलाएं सबकी एक ही तरफ नहीं? जो इस्लाम धर्म का मुखिया इब्राहिम ऊपर से आता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो सबसे जास्ती पतित होता है, या देवता धर्म की पक्की आत्माएं जो होती हैं, जो 84 जन्म पक्के भारतवासी बनकर रहते हैं वो ज्यादा पतित बनते हैं? है? वो ज्यादा पतित बनते हैं द्वापर के आदि में। हाँ जी, द्वापर के आदि में वो इस्लाम धर्म वाली आत्मा जास्ती पतित बन जाती। तो जो जास्ती उस समय पतित होगा ऊपर से आने वाली आत्मा उसी में प्रवेश करती है। लेकिन कलाओं में गिरते सब हैं, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ के अनुसार संगम युग में जैसा जिसने पुरुषार्थ किया है उसी अनुसार गिरना होता है। कोई ने पुरुषार्थ ऐसा भी है तो किया होगा, कैसा, कि जिससे गिरना कम हो और चढ़ना जास्ती हो। जास्ती बाप की याद में रहेगा तो गिरना कम होगा या जास्ती होगा? बल कोई भी कर्म करे, कर्म करते भी, कर्मयोगी बनते हुए भी, अगर बाप के याद की प्रैक्टिस है, आत्म की स्थिति है, तो तीव्र गति से गिरने की प्रैक्टिस पड़ेगी या धीमी गति से गिरने की प्रैक्टिस होगी? है? धीमी गति से गिरने की प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ की प्रैक्टिस वहाँ जन्म जन्मांतर द्वापर कलयुग में काम आती है। और जो कामी इस्लामी होंगे, कन्वर्ट होने वाले इस्लाम धर्म में, तो 63 जन्म का उनका संस्कार है। कौन सा संस्कार? व्यभिचार में गिरने का। नई नई चीज सामने आती है तो उसमें बुद्धि ज्यादा भ्रमित होगी या कम भ्रमित होगी? जास्ती भ्रमित होती है।
फर्स्ट बगीचे का जो नौ लाख है, फर्स्ट बगीचे का जो नौ लाख आत्माएं हैं, फर्स्ट बगीचे में नौ लाख नहीं होते हैं, नौ बगीचे हैं। वो सचिव का फर्स्ट जन्म है, जो सचिव का फर्स्ट जन्म है उसमें गिरती कला है, वो फर्स्ट क्लास बगीचा नहीं है, उसका शास्त्रों में गायन नहीं है। जो फर्स्ट क्लास बगीचा है उसका शास्त्रों में गायन है, पैराडाइज, जन्नत, स्वर्ग, बैकुंठ। हाँ, वो माना सचिव का फर्स्ट जन्म का जो नौ लाख आत्माएं है, हाँ जी, हाँ जी, उसी में द्वापर के बाद सिर्फ देवी देवता आत्माएं, सनातन धर्म का आत्मा ही प्रवेश करेंगे? नहीं, उसमें भी तो वो आधारभूत होंगे। जो चंद्रवंश के हैं, जो चंद्रवंशी हैं, वो सत्यु के फर्स्ट जन्म में होंगे या नहीं होंगे? होंगे, उनमें सब कुछ भरा हुआ है। आखिर जो भी विधर्मी हैं उतरती कला के सतयुग में, ऊपर से उतरने वाली आत्माएं, वो विधर्मी आत्माएं सतयुग के फर्स्ट जन्म में उतरती हैं या सेकंड जन्म में उतरती हैं? सेकंड जन्म में उतरती हैं, लेकिन वो आधार किन का लेती हैं उतरने के लिए? सत्युग का जो फर्स्ट नारायण होता है, जो फर्स्ट नारायण, उसी से तो जन्म लेंगे। हाँ, इसलिए चरती कला वालों का आधार नहीं लेते हैं, ऊपर से उतरने वाले गिरती कला के नारायण, वो सिर्फ एक ही है सत्युग के फर्स्ट जन्म का, राधा कृष्ण वाली आत्मा है, ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा है, जो जन्म लेने के लिए लक्ष्मी नारायण का आधार लेती है। इसलिए वो बहुत पावरफुल है, आधार मजबूत है। इसलिए सब धर्म जितने भी गिरती कला वाले हैं सबकी पालना के निमित्त बन जाते हैं। यज्ञ के आदि से दूसरे धर्म की आत्माएं किसका आधार लेकर के चलती रही है? चंद्रमा का आधार लेकर चलती रही। अभी भी उनके राज्य में जो निशानी दिखाई जाती है झंडे में या कोट ऑफ आर्म में, किसकी निशानी दिखाते हैं? चंद्रमा की निशानी दिखाते हैं। सिर्फ जापान के हैं थोड़े से जो सूर्य की निशानी भी दिखाते हैं, वो सिर्फ सूर्य की निशानी दिखाते हो, ऐसे भी नहीं, सूर्य और चंद्रमा दोनों में। इसलिए वो भी विधर्मी बन जाते हैं। सिर्फ सूर्य का आधार लेकर के जो चलने वाले हैं वो सतयुग के आदि में नहीं आवेंगे। सतयुग का आदि होने से पहले ही जो स्वर्ण संगम युग है चरती कला वाला, उसमें आते हैं। तो वो सत्यु का पूरा पक्का सूर्यवंशी जो है, हाँ, पहला जन्म का, हाँ, वो द्वापर में आने के बाद उसमें कोई आत्मा प्रवेश नहीं करेगा? द्वापर में आने के बाद की तो बात ही भी छोड़ो, वो अंत में ही जाकर के गिरते हैं। जैसे अष्ट देव हैं, वो कौन से जन्म में जाके नीचे गिरते हैं? वह नहीं, 82 में भी नहीं, 83 में भी नहीं, आखिरी जन्म में ही जाकर के नीचे गिरते हैं। उससे पहले के जन्म में उन्होंने कहीं बुद्धि योग अपना भरमाया होगा कोई के साथ, विधर्मी के साथ, उसके चंबे में आ गए, फिर जन्म लेना पड़ता है। तो जो जितना 63 जन्मों में पहले पहले ही कन्वर्ट हो गया, वो पहले पहले कन्वर्ट होने वाली आत्मा ज्यादा कमजोर बनती रहेगी, या जो बाद में अंतिम जन्म में जाके कन्वर्ट होती है वो भगवान के लिए श्रेष्ठ आत्मा है,
लास्ट में जो कन्वर्ट हो वो उसको उसकी ज्यादा महिमा है। इसलिए मुरली में बोलते हैं तुम बच्चे हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, और तो सब कच्चे हैं जो आज से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा लास्ट जन्म में वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं? लास्ट माया किसी को छोड़ती है? जन्म लेना अलग है कन्वर्ट होना अलग है ना, तो कन्वर्ट हो जाता है या जाके वो बीज रूप कोई भी आत्मा शरीर रहते कभी कन्वर्ट नहीं होती। ये राजपूतों की शान रही है। क्या क्या जो पीठ दिखा के भागने वाले नहीं है, लड़ते लड़ते मर जाना पसंद, और उनकी घरवालियों को जौहर में नष्ट हो जाना पसंद, शरीर को नष्ट कर देती है, लेकिन कोई विधर्मी के चंबे में नहीं आने देते। बाबा भारत में अभी तक स्त्री प्रेसिडेंट नहीं हुआ था, अभी प्रतिभा पाटिल बन गए, यह बेहद में कुछ राज होना होगा ना बाबा? यह बड़ी थी बड़ी प्रतिभा कौन है, है? जगदम्बा बड़ी थी बड़ी प्रतिभा है। किस देश की है प्रतिभा पटेल? हैं? भारत की तो है, लेकिन स्टेट कौन सा है? हैं? महाराष्ट्र की है? हैं? महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है? राजस्थान में ऊंचा पद पाया? हैं? राजस्थान में ऊंचा पद पाया, लेकिन है कहाँ की? महान राष्ट्र की। अरविंद बाबा से भी मिले हुए? अरविंद बाबा से भी मिले हुए? हाँ वो तो मिले हुए हैं, लेकिन जिस बाबा से मिले हुए हैं वो निराकार है या साकार है? छोटा बाबा है या बड़ा बाबा है? बड़ा बाबा क्या कहता था और छोटा बाबा क्या कह गया? बड़ा बाबा कहता था तुम बच्चों को राष्ट्रपति पद पर मिले तो तुम बच्चे थूक मारेंगे, बोला कि नहीं? हैं? बोला। अब ये छोटे बाबा ने क्या कह दिया? हैं? तुमको बड़े से बड़ा पद मिलना है, उसको उसकी संभाल करनी है, तो उनके लिए ऊंची स्टेज हो गई छोटे बाबा के लिए, और बड़े बाबा की नजर में कैसी स्टेज है? वो कांटों का ताज है। बड़े बाबा ने ये लक्ष्य नहीं दिया है क्या? है उनके लिए चार शक्तियों को संभाला जा रहा है। हाँ वो ठीक है, वो तो ठीक है, जो आखिरी जन्म में आकर के ऊंची स्टेज पर आते हैं वो विनाशकारी होते हैं या निर्माणकारी होते हैं? क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। तो अच्छा है, बाबा ने कहा आगे चल कर कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। क्रिश्चियन तो उनमें से आधा तबक्का तो नास्तिक होता है, अगर नास्तिक भारत का प्रेसिडेंट बन के बैठ जाएगा वो तो सारा गड़बड़ कर देगा। भारत में तो नास्तिकता चलना बड़ा मुश्किल है। हैं? है? हाँ मुसलमानों का नंबर तो लग गया। एडवांस बेसिक ना, बेसिक में भी जो बड़े से बड़े पद पर बैठा है वो कौन है? कौन से धर्म का है? इस्लाम धर्म का है ना, और ब्राह्मणों की दुनिया में जो अभी तक राजा ही चली उसमें इस्लाम धर्म का प्रेसिडेंट बन के वो मुखिया बन के बैठा, तो बाहर की गवर्नमेंट में भी कौन बन के बैठा? मुसलमान बन के बैठे ना। अब मुसलमानों के बाद नंबर किसका आना चाहिए? हैं? नहीं, मुसलमानों के बाद नंबर आना चाहिए नहीं, हैं? नहीं नहीं, नहीं।
अभी तो नाम लिया उसने है प्रतिभा पाटिल। बाबा ऋषि और मुनि में अंतर क्या है? ऋषि कहते हैं पवित्र को। तीन मूर्तियां हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, उसमें पवित्रतम कौन है? उसमें से तीन मूर्तियों में पवित्रतम स्टेज का पार्ट बजाने वाला कौन है? अरे तीन मूर्तियों में एवर प्योर मूर्ति कौन सी है? घुमा फिरा के पूछना पड़ता है। एक मूर्ति एवर प्योर है और जो सबसे नीचे तबके में बैठा हुआ है उसको विकारी बताया है कि निर्विकारी बताया है? विकारी बताया है। अभी समझ में आ गया? क्या समझ में आया? हाँ तुमने जो प्रश्न किया उसी से जोड़ो, बोलो बोलो है? अरे तुमने क्या प्रश्न किया भूल गए क्या? ऋषि और मुनि में अंतर। हाँ तो ऊपर जो बैठा हुआ है उसकी तरफ इशारा किया कि जो पवित्रतम है वो ऋषि है और दूसरा नंबर किसका नाम लिया? मुनि। मुनि माना मन वाला, तो तीन मूर्तियों में मन वाला कौन है? ब्रह्म। एक ऋषि हो गया और एक मुनि हो गया। और बहुत अंतर है या थोड़ा बहुत अंतर है? हैं? बहुत अंतर है। मुनि ने बोला है कि ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची है। ब्रह्मा ने तीन बार सृष्टि रची, तीन बार ही बिगाड़ी। हाँ तो कब कब रची होगा? लो एडवांस नॉलेज पूरी रिवाइज नहीं की क्या है? सृष्टि चक्र का चैप्टर जो लिटरेचर है वो एक बार रिवाइज कर लो। वो भी बात है, बार बार पूछ क्यों पूछना? सत्यु की शूटिंग में ब्रह्मा ने सृष्टि रची, ब्राह्मणों की सृष्टि तो रची ना, तो ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उसको सृष्टि की रचना कहेंगे? नई सृष्टि की रचना कहेंगे है? अरे नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई या नहीं रची गई? तो नई रचना नहीं है उसको? नहीं है। हाँ भले अधूरे हैं ब्राह्मण, लेकिन जब तक 40 वर्ष पूरे हुए, ब्रह्मा जो फर्स्ट ब्रह्मा है उसके 40 वर्ष पूरे हुए, 100 वर्ष की आयु पूरी हुई, तो ब्रह्मा का काम पूरा हुआ कि नहीं? तो संपन्न ब्राह्मण भी कोई बना कि नहीं बना? संपन्न ब्राह्मण माने पक्का निश्चय बुद्धि, जिसको कोई दुनिया में हिलाए न सके। एक भी अगर पक्का ब्राह्मण बन गया तो फर्स्ट ब्रह्मा का कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? बाकी सबको हुआ है? एक को हुआ, एक को हुआ, तो बाकी सबको क्या करना पड़े? बिगाड़ दिया। आप मुए मर गई दुनिया। एक युगल की स्थापना हुई बुद्धि में और बाकी सब खलास हो गए। उसके बाद वही आत्माएं आई जो यज्ञ के आदि में फेलियर की लिस्ट में डाली गई, राम फेल हो गया, वही आत्माएं दोबारा फिर आती हैं। तो जो भी आत्माएं आती हैं
एडवांस पार्टी में, वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं तब तक वृद्धि को पाती रही। अरे उनकी वृद्धि कब तक होती रही? 98 में विनाश सामने आ गया। तो वहां से फाउंडेशन समझो पड़ गया अष्टदेवों का। क्या फाउंडेशन पड़ गया, एक नई स्थापना हो गई, और पुराना पुराना सब खलास। उसके बाद कौन सी शूटिंग शुरू हुई? कलयुग की शूटिंग शुरू हुई। कलयुग की शूटिंग में क्या हुआ है? जो भी सृष्टि रची जाएगी वो थर्ड क्लास सृष्टि रची जाएगी या फर्स्ट क्लास सृष्टि कहेंगे उसको? दिन प्रतिदिन कमजोर आत्माएं निकलती जा रही हैं या पावरफुल आत्माएं निकल रही है? इक्का दुक्का पावरफुल, बाकी सब जैसे दम ही नहीं है। तो ये कार्य भी पूरा होता है। तीसरी बार भी सृष्टि रची जाती है, और रचने के बाद जब तक विष्णु प्रत्यक्ष हो तब तक तो गुप्त रहेगा, लेकिन फाउंडेशन तो पड़ेगा नहीं दुनिया के कि नहीं पड़ेगा ना। तो कब से घोषणा कर दी, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका है, इसकी घोषणा कब से की है? 2004 में। क्या घोषणा की? तुम बच्चों को हाँ नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है। माना बहुत से बच्चों को ये पता लग जाता है कि नई दुनिया का फाउंडेशन का संगठन तैयार हो रहा है, तो नई दुनिया का संगठन रूपी फाउंडेशन जो तैयार हुआ वो तैयार हुआ संगठन बहुतों की बुद्धि को चलाता है और सुधरने के लिए मजबूर मजबूर करता है कि नहीं। जैसे एडवांस पार्टी जब निकली तो बेसिक पार्टी वाले बिल्कुल उस समय निष्क्रिय हो चुके थे, जैसे कि सेवा कोई करना ही नहीं चाहते थे। फिर एडवांस पार्टी निकली तो दबाव पड़ा कि अगर सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा अंजाम? वो आगे बढ़ जाएंगे, हमारी बेसिक नॉलेज सब धरी रह जाएगी। तो वो भी कुछ न कुछ तीव्रता से भक्ति करने लगे। ऐसे यहां भी होता है। तो नई दुनिया का फाउंडेशन जब डिक्लेयर कर दिया तो चाहे सरेंडर्ड वर्ग हो और चाहे नॉन सरेंडर्ड वर्ग हो, सब के अंदर ये स्फूर्ति दौड़ जाती है कि हम भी आगे बढ़कर के दिखाएंगे, हम भी नई दुनिया में पहुंचेंगे। तो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ? अच्छा काम हुआ। तो ये तीसरी रचना हुई ब्रह्मा द्वारा, और अभी फिर बिगड़ने वाली है शशि। इसका प्लानिंग तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, बेसिक नॉलेज वालों की बुद्धि में भी चल रहा है ये प्लानिंग, खेड़ बखेड़ा कर दें, लेकिन उनकी बुद्धि में प्लानिंग चल रहा है किसके लिए? एडवांस वालों के लिए। और एडवांस पार्टी वालों में भी कुछ पैदा हुए हैं जो अपने को कहते हैं हम इन एडवांस हैं, जिनको बाबा की भाषा में कहा गया है भस्मासुर। क्या भस्मासुर? उसी से ज्ञान लेना और उसी के ऊपर हमला करना, वो भी प्लान पक्का बनाए बैठे हैं कि एडवांस पार्टी में जो भी बड़े बड़े मुखिया हैं, दिग्गज माने जाते हैं, उन सबको ऐसे ही फंसाएंगे जैसे इनके मुखिया को फंसाया। मुखिया तो ताकतवर था इसलिए निकल गया, इनको देखते हैं कैसे निकलते हैं।
तो महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध सामने खड़ा है, खड़ा है या नहीं खड़ा है? कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, खड़ा है अभी सोने का टाइम नहीं है। और पीछे रखा हरिजन वालों को आगे बढ़ाया जाता है दुनिया में कि पीछे रखा जाता है? पापा ने बोला ना क्या हरिजन वाला को बाबा रखता, दुनिया वालों को थू थू करते है, ऐसे बोले ना? दुनिया वालों को थू थू करते हैं, दुनिया वालों हरिजन वालों को थू थू करते हैं वो भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में ऐसा होता है। तो यहाँ भी ये हरिजन हैं, ये सब जो बैठे हैं एडवांस में क्या हैं? हरिजन हैं। बाबा और सामने रखा ना हरिजन वाला, हाँ, वो लोग कितना अन्याय करते हैं, मोह करते हैं हरिजन वाले। हाँ तो ये फिर तो जो झूठ करते हैं, ज्यादा अन्याय करते हैं हरिजन वाले, जो ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठे हुए हैं, कोई नीचा हो जन्म जन्मांतर का नीचा पार्ट बजाता रहा हो और उसको ऊंची कुर्सी पर ले जाके बैठा दिया जाए तो क्या करेगा? है पार्ट अच्छा बजाएगा या जन्म जन्मांतर के स्वभाव के अनुसार बजाएगा? जैसा जन्म जन्मांतर का स्वभाव रहा है, राजाओं ने ज्यादा नीच कर्म किए या प्रजा वर्ग ने ज्यादा नीच कर्म किए? राजाओं ने जास्ती नीच कर्म किए। कितना अन्याय करते हैं तो ये बैठे कहाँ हैं? है ये जन्म जन्मांतर के नीच कर्म करने वाले कहाँ बैठे हैं? बंदर बंदरिया राम की सेना में। तो बाबा तो आगे बढ़ा रहा है। अरे वो है जिस्मानी गवर्नमेंट, वो भी लूले लंगड़ों को और हरिजनों को जो नीचे कास्ट वाले हैं उनको आगे बढ़ा रही है। और यहाँ भी जो रूहानी गवर्नमेंट है, जो वास्तव में हरिजन हैं बेहद के, उनको आगे बढ़ा रही है। तो खुश होना चाहिए बेहद की बुद्धि में रहो। है और नहीं बाबा लोग बाहर सुनने वाला हरिजन बोलो ऐसा करते हैं। यहाँ भी ऐसा हो रहा है? यहाँ नहीं है ऐसे? यहाँ एडवांस पार्टी में कितने निकल रहे हैं जो विरोधी बन करके विरोधी काम कर रहे हैं? बाबा का बच्चा सच्चा होगा, सच्चा होगा बाबा ही के तो बच्चे हैं सब एडवांस में। है और बाबा जब ब्रह्मा बाबा निराकार को याद कर लेते हैं, ब्रह्मा बाबा रहते भी है, अभी जो प्रजा पिता याद करते हैं, ये दोनों में फर्क है? ब्रह्मा बाबा जो याद करते थे वो सिर्फ बिंदु को याद करते थे कि साकार में निराकार को याद करते थे, तो ज्यादा फास्ट कौन जावेगा? हैं? बिंदु को याद करने वाला ज्यादा फास्ट चला जावेगा, सहज किसके लिए हो जावेगा? जो साकार में रहते हुए भी निराकार को याद करेगा, साकार में आए हुए निराकार को याद करेगा, उसके लिए जास्ती सहज हो जाएगा। ये अनुभव एडवांस पार्टी वालों को ज्यादा हो रहा है या बेसिक वालों को जास्ती हो रहा है? एडवांस वालों को जास्ती हो रहा है। और जिस साकार में वो निराकार प्रवेश करता है उसको अपने रूप में आत्मा रूपी आत्मा का जो तखत है उस तखत में बिंदु को याद करना सहज है या कठिन है? अरे अपनी आत्मा को याद करना सहज होता है या कठिन होता है? और ही सहज होता है, तो उसके लिए तो और ज्यादा सहज है। पर का चिंतन करना वो थोड़ा कठिन होता है और स्वचिंतन में रहना सहज होता है। तो अंतर हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा दादा लेखराज की याद में और शंकर की याद में अंतर होगा या नहीं होगा? अपने अंदर से याद करता है। अंतर्मुखी बनना है या बहिर्मुखी बनना है? है अंतर्मुखी बनना और अच्छा, औरों के लिए तो फिर भी कोई न कोई साकार शरीर में
जिसके ऊपर श्रद्धा विश्वास निश्चय बैठ गया हो उसमें याद करना है, लेकिन उसको तो अपने ही स्वरूप में याद करना है। और कौन सी माता जी पूछ रहे, हाथ उठा दो। हाँ हाँ जी, हाँ जी पूछ रहे हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं ना, तो उस टाइम राम की आत्मा उसी घर में ग्रेट से ध्यान करना का पाठ बजाते हैं ना जन्म। हाँ जी, और उसी टाइम पर द्वापर युग की शुरुआत में ब्रह्मा के तो रुद्र का पाठ बजा कर बजा करके उनकी मूर्ति का स्थापन करते हैं ना मंदिर। ठीक है, उस टाइम राम की आत्मा गुरु के रूप में जन्म लेते हैं। बाप और बाबा एक टाइम पे नहीं होते हैं क्या? जो इब्राहिम का आधार मूर्त है उसका बाप भी होगा और उसका उसका जो खुद वो आधार भी है, तो आधार भी है उसका बाप भी है और बाप का बाप भी है। पुराने जमाने में बाप भी जिंदा रहता था और साथ साथ बाबा और कहीं कहीं परबाबा भी जिंदा रहता था। ये क्या बड़ी बात है? गुरु सतयुग त्रेता में कोई दूसरा नहीं होता था, बाप ही गुरु होता था। बाप अलग हो गुरु अलग हो ऐसे सतयुग त्रेता में नहीं होता है, वो परंपरा एकदम द्वापर युग में खत्म नहीं हो जाती, थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। द्वापर की शुरू है आज में। हाँ हाँ हाथ उठा दे। हाँ पहले उसके में आते हैं है? पहले पाठ बजाने के लिए आते हैं। पहले आती है द्वापर में इस्लामी आते हैं। द्वापर में इस्लामी नहीं आते हैं, पहले इस्लामी आते हैं। नहीं, जो श्रेष्ठ देवताएं गिने जाते हैं उनमें भी नंबरवार हैं, उनमें जो नंबरवार की लिस्ट में है वो पहले आते हैं सतयुग के आदि में। सन्यासियों को तो श्रेष्ठ धर्म नहीं कहा, सन्यासियों की तो बाबा सबसे ज्यादा क्या धूतेड़े की करते हैं। बाबा बोलते हैं रावण कौन, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। हाँ हाँ, जो भी राइटियस धर्म है द्वापर युग से वो सारे ही राइटियस धर्म, जो लेफ्टिस्ट धर्म है उनके प्रभाव में आने वाले। क्या अब प्रभाव में आ जाते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी प्रजा बन जाते हैं। जैसे बौद्धी हैं, बौद्धियों के ऊपर जहां हमला हुआ विधर्मियों का, उन्होंने क्या कर दिया, अहिंसा अहिंसा परमो धर्म, तो आधीन बना लिया। आधीन बन गए तो प्रजावर्ग में चले गए, दास दासी बनेंगे या वहां जाके राजा ही करेंगे, दास दासी बन गए। तो राइटियस धर्म तब पावरफुल बनते हैं जब बाप आते हैं, नहीं तो उनमें कोई अपनी ताकत नहीं है। सिर्फ ताकतवर है तो सिर्फ सन्यास धर्म, वो भी जब तक ज्ञान न लेवे तब तक उनका भी उद्धार नहीं हो सकता। ज्ञान उनकी बुद्धि में जब बैठ जाएगा तो सहयोगी बन जाएंगे, चाहे वो सिख धर्म हो चाहे सन्यास धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म वाले हो, ये सब राइटियस हैं, पवित्रता को मानने वाले हैं। और बाबा वाल्मीकि मना कौन है, वाल्मीकि मना कौन है, ये जाति का नाम है या बुद्धि का नाम है?
आजकल जो भंगी लोग होते हैं स्वीपर, वो अपनों को टाइटल देते हैं वाल्मीकि। भंगियों का टाइटल है ये वाल्मीकि, जिसका टाइटल वाल्मीकि हो तो समझो स्वीपर में है। और हाँ, भारत में विधवा को मान्यता नहीं देती है। इसको मान्यता नहीं देती, विधवा विधवा उसको मान्यता नहीं देते हैं। हाँ जी, इसका शूटिंग कैसे बताएं? ज्ञान में चलते हैं, बाप को पहचानते हैं, सर्व संबंध निभाते हैं, तो पति भी हो गया कि नहीं है? पति जिसको मान लिया, पहचान लिया, संबंध भी जोड़ लिया। संबंध प्रैक्टिकल में जोड़ते हैं या हवा में जोड़ते हैं? प्रैक्टिकल में संबंध भी जोड़ लिया, फिर बाद में अनिश्चय बुद्धि हो गया। अनिश्चय बुद्धि हो गया तो विडो हो गया या नहीं हो गया? विडो हो गया। जब विडो हो गया तो ब्राह्मण परिवार में जो पक्के ब्राह्मण होंगे उनकी नजरों में गिर जाएगा या ऊंचा रहेगा? नजरों में गिर जाएगा। तो सारी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में सारी शूटिंग होती है। बाद में जब दूसरे धर्म वाले आते हैं तो विधवा विवाह का, विधवाओं का तिरस्कार करना बंद कराते हैं। जो विदेशी सभ्यता आती है ना, वो बंद कराई देती है कि विधवाओं का तिरस्कार नहीं करना है, उनको दोबारा शादी तिबारा शादी करने की परमिशन मिलनी चाहिए सरकारी तौर से, तो सरकारी नियम बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि होना, श्रद्धा विश्वास वाला होना अच्छा या अनिश्चय बुद्धि होना अच्छा है? अरे तू मर गया तो मर गया, तो क्या हुआ? देह से ही तू मर गया कि आत्मा मर गई? देह से मर गया तो हमारी आत्मा का जो जिगरी प्यार है वो आत्मा के साथ होना चाहिए या देह के साथ होना चाहिए? आत्मा के साथ रहना चाहिए ना। लेकिन विधर्मी आके क्या सिखाते हैं? और देह के प्रति प्यार सिखाते हैं। देह है तो जहान है, देह नहीं तो आत्मा को मानते ही नहीं, पुनर्जन्म ही नहीं मानते, वो क्या सिखावेंगे? है एक तो विडो बनना ही अच्छा नहीं, वेद के रूप में तो समझ में आ गया कि विडो बनना अच्छा नहीं है, तो हद के रूप में नहीं समझ में आना चाहिए? हद के रूप में भी तो ये भावना रहनी चाहिए कि इस जन्म में हमको जो पति मिला, इस जन्म में सारा जीवन उसके परिवार को संभाला है, उसके असिस्टेंसी में हम रहे, उसका मूत किया, तो अगले जन्म में हम या इसी जन्म में हम उसका तिरस्कार कर दें क्या? है करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भावना पक्की रहना चाहिए कि जो इस जन्म में था वो अलग अगले जन्म में भी हमें मिले, जन्म जन्मांतर मिले। तो ऐसी भावनाएं वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी रहेंगी या इसके विपरीत जिनकी भावना होगी वो ज्यादा सुखी रहेंगी? पार्वती वाली आत्मा है, उससे जास्ती कोई सुखी रहने वाली दुनिया में आत्मा होगी? नहीं होगी। कारण क्या है? इतना सुखी क्यों होती है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक जन्म के लिए या अनेक जन्मों के लिए ये प्रतिज्ञा है? अनेक जन्मों की प्रतिज्ञा है, क्योंकि आत्मा को मानने वाले हैं। और तो नई नई पढ़ाई पढ़ के जो आए विदेशों से, जो विलायत पास करके आए ना भारतवर्ष में, वह उन्होंने विलायती शिक्षा चालू कर दी, नहीं विधवा विवाह के विरोध करना, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो उनको था ही नहीं।
बाबा सन शोज फादर और फादर शोज सन, ये बात प्रजापिता और सुप्रीम कोर्ट को भी लागू होती है। शिव बाप जो है वो पहले अपने बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा या अपने को प्रत्यक्ष करेगा? पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, और जो प्रजापिता है वो भी क्या करेगा? हैं? वो पहले बच्चे को प्रत्यक्ष करता है या अपन को प्रत्यक्ष करता है? अरे परंपरा तो शिव बाप डालते हैं ना, तो शिव बाप ने ये परंपरा डाली, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तो परंपरा बच्चे को नहीं निभानी चाहिए, तो प्रजापिता उस परंपरा में सबसे आगे होना चाहिए ना, हैं? आगे होना चाहिए। ऐसे ही ये बात में भी लागू करो कि प्रत्यक्षता जो है वो प्रजापिता अपनी करेगा या कृष्ण की करेगा जो सचयुग में बच्चा बन के पैदा होने वाला है? हाँ, ये बात है प्रजापिता और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कैसा लागू होता है? ऐसे ही लागू होता है कि संगम भी कृष्ण बच्चा जब प्रत्यक्ष होगा तो बाप ने किसको प्रत्यक्ष किया? बच्चे को प्रत्यक्ष किया। 76 हाँ, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो ये चारों हस्तियां एक ही पर्सनालिटी की ओर इशारा करती है, ये अलग अलग पर्सनालिटीज है, एक ही पर्सनालिटी है। तो प्रजापिता सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, प्रजापिता सुप्रीम कोर्ट को कैसा? तो वो कहाँ लेता है, वो तो बैगर दिखाया जाता है, वो तो बेताज बादशाह है, बच्चे मानते हैं उसको बादशाह, खुद राजा ही चलाता है क्या उसको? कहीं जो चित्र हैं या जो भी महिमा दिखाई गई है, चित्र किस बात की यादगार है? तो उन्होंने जो चरित्र बजाया है वो ताज धारण करने का, गद्दी धारण करने का बनाया है हाँ, या बैगरी दिखाया है? तो बैगर का बैगरी। आठ बच्चे हैं जो राज्यधारी बनते हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं, प्रमुख राज्य अधिकारी कौन बनते हैं विश्व की बात सही में? है आठ बनते हैं, फिर सहयोगी अधिकारी असिस्टेंट कौन बनते हैं? 108। हाँ जी, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है जब विनाश होगा तो समुद्र में डूब जाएगा, जैसे विदेश हैं, अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, हजार साल पहले इनका नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था, क्योंकि और धर्म जब इस सृष्टि पर बढ़ते हैं तो दूसरे दूसरे धर्मखंड भी बढ़ते हैं। कब तक बढ़ते हैं? कलयुग अंत तक सब धर्मों की बढ़ोतरी होती है संख्या के आधार पर और गुणों के आधार पर घटोतरी होती है। बढ़ोतरी और घटोतरी दोनों में आगे कौन जाता है? चढ़ती कला में भी आगे और उतरती कला में भी आगे कौन सा धर्म जाता है या कौन से धर्मखंड के लोग जाते हैं? देवी देवता सनातन धर्म के आगे भी जाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत आगे चले जाते हैं और नीचे गिरते हैं तो सबसे जास्ती भ्रष्ट बन जाते हैं। बाप आते हैं तो ऊंचे चढ़ते हैं और जब औरों के चक्कर में आ जाते हैं तो बहुत नीचे गिरते हैं। तो जंप लगाने की यादगार है जंबू, क्या जो ऊंची स्टेज की यादगार है ना वो उत्तर भारत की है। उत्तर भारत में कौन सा पहाड़ है जो दुनिया में सबसे ऊंचा है? हिमालय पहाड़। वो पानी में डूबेगा क्या?
नहीं डूबेगा, सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन उत्तर भारत पानी में डूबने वाला नहीं है। हैं? उधर समुद्र नहीं पहुंचता है, समंदर से जो भाप उठती है, गर्म गर्मी जो होती है सूर्य की, वो भाप बनाती है, शुद्ध ज्ञान जल बनाती है, डिस्टिल्ड वाटर बनाती है, वो डिस्टिल्ड वाटर वहां जाते हैं, काम करता है। और अभी काम, हाँ हाँ, भारत की परंपरा में एक होती है माँ, जो राजाएं होते थे तो राज माता अलग होती थी और राज लक्ष्मी अलग होती थी। तो लक्ष्मी है पहली माँ, छोटी माँ, और राज माता है बड़ी माँ, माने दादी माँ। फिर परदादी भी कोई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, परदादी भी होनी चाहिए। तो परदादी परदादी रहेगी, बेसिक में भी कोई परदादी मानी जाती कि नहीं? है? कौन है? निर्मल शांता दादी अभी भी परदादी हैं, दादी की नजरों में भी परदादी हैं, वो भी उनका रिगार्ड है, भले अंदर से रिगार्ड न करती हो, अंदर से उनको इंजेक्शन लगवा दें, बुद्धि उनकी सफा चट्ट हो जाए, कुछ भी यज्ञ की हिस्ट्री न बता पाए, नहीं तो सारा खेड़ बखेड़ा हो जाएगा। लेकिन बाहर से दिखाने के लिए बहुत मान मर्तबा करते हैं। हाँ, बाबा बाकी मानदान मानना तो पड़ता ही है, दादी है राजमाता है, तो राजमाता जो है वो जो राज लक्ष्मी है राजा के साथ बैठने वाली, उसका मान करेगी कि अपमान करेगी? मान ही करना पड़े कि हम तो भाई पुरानी परंपरा के हो गए, और ये तो नई परंपरा की है, नई पढ़ाई पड़ी हुई है, हम ईश्वरीय पढ़ाई में फेल हो गए और ये तो ईश्वरीय पढ़ाई में पास हो गई, तो रिगार्ड तो देना पड़ेगा। लक्ष्मी से भी जास्ती पहले पास कौन हुआ है? जो सूर्यवंशियों की माँ है वो उससे भी पहले पास होती है। और राजगुरु कौन आता है? राजगुरु होता है हमारा, राजगुरु तो एक ही है। आपने अभी तक यही नहीं समझ पाया कि राजगुरु हमारा कौन है? हाँ, शास्त्र में लिखा वो माँ बाप काम करता है बुरा और बुरा अच्छा, वो बच्चे भोगने पड़ता है, साइकिल वो उसको भोगने आया है, तो दूसरा काम है। बच्चों को पाप का काम किया तो बच्चा भी भोगना पड़ता है। भक्ति मार्ग में जो माँ बाप बुरा काम करते हैं तो उसका हिस्सा बच्चों को भोगना पड़ता है।